नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं अभिषेक कुमार और वक्त हो चुका है सुबह की ताजातरीन खबरों का। अमेरिका के दौरे पर गए पीएम नरेंद्र मोदी आज अमेरिका के ह्यूस्टन में हाउडी मोदी कार्यक्रम में 50,000 से अधिक भारतीय अमेरिकियों को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी शिरकत करने वाले हैं। भारत के दौरे पर आए मंगोलिया के राष्ट्रपति खतमागिन बतलुगा आज बिहार के नालंदा जाएंगे, जहां वे विश्व प्राचीन धरोहर नालंदा विश्वविद्यालय का दीदार और परिभ्रमण करेंगे। राजधानी दिल्ली के धौलाकुआं मेट्रो स्टेशन के पास बने फ्लाईओवर का दूसरा हिस्सा आज से गाड़ियों के लिए खोल दिया जाएगा। आपको बता दें कि ट्रायल के तौर पर शुक्रवार को इसे कुछ वक्त के लिए खोला गया था। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरा T20 मैच आज बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली की अगुवाई में भारतीय टीम तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में दक्षिण अफ्रीका को हराकर श्रृंखला 2-0 से जीतने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। केंद्र सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों को सितंबर माह का वेतन इस बार 5 दिन पहले मिलेगा। दरअसल वित्त मंत्रालय ने केंद्र सरकार के सभी विभागों को आदेश जारी कर दिया है कि वे 25 सितंबर को कर्मियों के खाते में वेतन डाल दे। आपको बता दें कि चालू वित्त वर्ष में ऐसा पहली बार हुआ है जब कर्मियों को 5 दिन पहले ही वेतन मिल जाएगा। कांग्रेस पार्टी द्वारा 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के मौके पर देश भर में आयोजित होने वाली पदयात्रा कार्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी शिरकत करेंगी। आपको बता दें कि सोनिया गांधी दिल्ली में इस कार्यक्रम में शामिल होंगी और राजघाट पर पार्टी के कार्यकर्ताओं को शपथ भी दिलाएंगी। शुक्रवार को गोवा में हुई GST काउंसिलिंग की 37वीं बैठक में कारोबारियों के लिए बड़ा फैसला हुआ है, जहां GST रजिस्ट्रेशन को आधार नंबर से लिंक कराने का फैसला किया गया है। आपको बता दें कि GST काउंसिल ने कहा है कि आधार से लिंक करने का यह फैसला फर्जी रिटर्न से बचने के लिए किया गया है। CBDT ने एक राष्ट्रीय ई मूल्यांकन केंद्र का गठन किया है। दरअसल इससे करदाता और अधिकारी को टैक्स रिटर्न के मूल्यांकन के लिए एक दूसरे से मिलना नहीं पड़ेगा। आपको बता दें कि इससे टैक्स रिटर्न का इलेक्ट्रॉनिक तरीके से मूल्यांकन किया जा सकता है। 15वें वित्त आयोग ने GST परिषद को GST के तहत एक या ज्यादा से ज्यादा 2 दरें रखने पर विचार करने का सुझाव दिया है। वहीं आयोग द्वारा बढ़ती राजस्व जरूरतों को पूरा करने के लिए कर दर बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है। उच्च शिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता को सुधारने में जुटी केंद्र सरकार को शिक्षकों के मोर्चे पर झटका लगा है। दरअसल शिक्षकों के ज्ञान को बढ़ाने के लिए शुरू किए गए रिफ्रेशर कोर्स में ज्यादातर शिक्षकों ने हिस्सा नहीं लिया और जो शिक्षक इसमें शामिल हुए और परीक्षाएं दी उनमें 40% से ज्यादा असफल रहे हैं। महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही राजनीतिक पार्टियों में बयानबाजी का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इसी क्रम में कांग्रेस ने शनिवार को दावा किया है कि इन दोनों राज्यों की जनता भाजपा को सत्ता से बाहर करने की तैयारी में है। पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि इस चुनाव में कांग्रेस किसानों की परेशानी, बेरोजगारी, आर्थिक मंदी और जनता से जुड़े अन्य मुद्दे उठाएगी। उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम ने गुजरात उच्च न्यायालय के वरिष्ठ जज न्यायमूर्ति अकील कुरैशी को अब मध्य प्रदेश की बजाय त्रिपुरा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की है। आपको बता दें कि इससे पहले कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति कुरैशी को पदोन्नति देकर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाने का फैसला लिया था। चुनाव आयोग द्वारा महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करने के साथ ही महाराष्ट्र और हरियाणा में दोनों राज्यों में चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। यानी अब दोनों राज्य सरकारें किसी भी सरकारी योजना की शुरुआत या कोई नीतिगत फैसला नहीं कर सकेगी जिससे मतदाताओं पर किसी तरह का प्रभाव पड़े। चुनाव आयोग द्वारा महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। वहीं चुनाव आयोग ने पहली बार विधानसभा चुनाव और उपचुनाव में प्लास्टिक का इस्तेमाल न करने की अपील की है और मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने इसके लिए विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में ग्रेटर नोएडा, नोएडा और जमशेदपुर जैसे विकास प्राधिकरणों के क्षेत्रों को भी शामिल करने का निर्णय लिया है। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना स्वच्छ भारत मिशन के तहत यह सर्वेक्षण कराया जाता है। अमेरिका के एक संगठन का कहना है कि हाउडी मोदी कार्यक्रम न केवल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए है, बल्कि दोनों देशों के लिए भी फायदेमंद है। गौरतलब है कि आज पीएम मोदी ह्यूस्टन में हाउडी मोदी कार्यक्रम में 50,000 से अधिक भारतीय अमेरिकियों को संबोधित करेंगे।
नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शुक्रवार को कहा कि उन्होंने देश में हवाई किराए की नियमित निगरानी के लिए तंत्र बनाने का आदेश दिया है और फिलहाल किराए को नियंत्रित करने की सरकार की कोई मंशा नहीं है। वहीं एयर इंडिया में हिस्सेदारी बेचने के मुद्दे पर पुरी ने कहा कि सरकार का इरादा एयरलाइंस को बेचने का है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को कहा कि बीजेपी और शिवसेना होने जा रहे विधानसभा चुनाव में मिलकर चुनावी मैदान में उतरेगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी दावा किया कि विधानसभा चुनाव के बाद वह दोबारा सीएम भी बनेंगे। झारखंड के कोडरमा में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना युवाओं के लिए बेहद कारगर साबित हो रही है। दरअसल कोडरमा के झुमरी तिलैया में कौशल विकास के तहत कई सेंटर खोले गए हैं और इन सेंटर में अब तक 45 युवाओं को रोजगार दिया जा चुका है। आपको बता दें कि इसके तहत अलग अलग क्षेत्रों में युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। IRCTC पर्यटन विभाग की ओर से रेल यात्रा के बाद अब हवाई विदेश यात्रा शुरू करने जा रहा है। दरअसल ये हवाई यात्रा विदेशों में धार्मिक स्थलों, पर्यटन स्थलों और शॉपिंग मॉल का भ्रमण विशेष पैकेज में कराने जा रही है। आपको बता दें कि इसकी बुकिंग IRCTC ने शुरू कर दी है। शारदा चिटफंड मामले में पूछताछ में सहयोग करने के बजाय लापता चल रहे कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार का पता लगाने के लिए CBI ने उनकी IRS पत्नी संचिता कुमार से करीब 40 मिनट तक पूछताछ की है। वहीं CBI ने दावा किया है कि संजीव कुमार कोलकाता में ही हैं। मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ ने शनिवार को जबलपुर में विश्व स्तरीय सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का लोकार्पण किया, जहां इस मौके पर चिकित्सा शिक्षा मंदिर के साथ प्रदेश के वित्त मंत्री भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि 150 करोड़ की लागत से बने इस अस्पताल में आधुनिक चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध है। हिमाचल प्रदेश में 250 करोड़ के छात्रवृत्ति घोटाले की प्रारंभिक जांच में CBI ने बड़ा खुलासा किया है, जहां CBI ने छानबीन में पता लगाया है कि शिक्षा विभाग के अधिकारी, कर्मचारी व निजी शिक्षण संस्थानों में छात्रवृत्ति घोटाले के लिए बकायदा एक समूह चल रहा था। इसके लिए अधिकारी निजी शिक्षण संस्थानों के छात्रवृत्ति जारी करने के लिए 10% तक का कमीशन लेते थे। उत्तर प्रदेश की 11 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। हैरत की बात यह है कि चुनाव आयोग की ओर से जारी सूची में फिरोजाबाद जिले की टुंडला विधानसभा सीट का नाम ही नहीं है, जिसको लेकर राजनीतिक गलियारे में इसकी चर्चा हो रही है। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव के लिए टिकट तय करने को भाजपा जल्द ही प्रदेश चुनाव समिति की बैठक बुलाएगी। बताया जा रहा है कि धर्मशाला और पच्छाद विधानसभा क्षेत्रों में होने जा रहे उस उपचुनाव के लिए टिकट तय करने को प्रदेश भाजपा टिकटार्थियों के पैनल बनाकर हाईकमान को भेज सकती है। उत्तर प्रदेश के संभल से हमारे संवाददाता सीताराम कुशवाहा बता रहे हैं कि जनपद संभल के हयातनगर थाना क्षेत्र में उधार ली गई रकम के लेन देन के मामले को लेकर झूठी सूचना देने और परेशान करने वाले दो लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल करने के बाद दोनों को जेल भेज दिया। बिहार के पटना से हमारे संवाददाता राजेश कुमार बता रहे हैं कि शनिवार को BPSC महिला उप डाकघर पटना का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने किया, जहां इस मौके पर दीघा के विधायक संजीव चौरसिया, कुम्हरार विधानसभा के विधायक अरुण कुमार सिन्हा एवं डाक विभाग महाध्यक्ष ME हक मौजूद थे। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से हमारे संवाददाता अवध किशोर बता रहे हैं कि पीलीभीत में महिला कल्याण विभाग के अंतर्गत महिला शक्ति केंद्र के द्वारा आवंतीबाई बालिका इंटर कॉलेज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जागरूकता अभियान के अंतर्गत बेटियों से संबंधित विभिन्न प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से हमारे संवाददाता SP सुखवाल बता रहे हैं कि चित्तौड़गढ़ के सांसद CP जोशी ने राजधानी दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अश्विनी कुमार चौबे से भेंट की एवं संसदीय क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति के विषय में पक्ष रखा। बिहार के पटना से हमारे संवाददाता राजेश कुमार बता रहे हैं कि पटना में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बिहार का पहला आधार सेवा केंद्र का उद्घाटन करते हुए कहा कि आधार डिजिटल पहचान पत्र है। इसके साथ ही उन्होंने सेवा केंद्र के कर्मियों को भी लोगों से बेहतर व्यवहार करने के निर्देश दिए हैं। तो ये थी सुबह की ताजा तरीन खबरें, और ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल Mobile News 24 को अभी सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन के साथ लगे नोटिफिकेशन बेल के ऑल ऑप्शन को दबा दें। साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें।
अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।